हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान की शिक्षण योजना, जिसका टॉपिक है पाठ 9 दिव्यांगता। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहें। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर उपलब्ध हो, तो इसके लिए मैंने दो ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पाठ 9 दिव्यांगता की शिक्षण योजना। सबसे पहले आपको इस तरह से एक टेबल बनानी है। टेबल में 4 कॉलम होंगे, दिनांक, कक्षा, पाठ, विषय, समय। दिनांक डाल देंगे अपने हिसाब से आप, कक्षा 8, पाठ 9 विषय विज्ञान, और समय आपका जो भी टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर पहला हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम, बच्चे शारीरिक दिव्यांग लोगों के प्रति स्वयं के दायित्व बता रहे हैं। प्रकरण पाठ 9 दिव्यांगता। सहायक सामग्री विभिन्न प्रकार के चित्र। अगला हेडिंग आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या का होगा, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। सबसे पहला स्टेप आता है शिक्षण के प्रारंभ में, समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर द्वारा। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों को विकलांगता से जुड़ी हुई वीडियो दिखाएंगे और बच्चों की प्रतिक्रिया लेंगे। हेडिंग नंबर 2, शिक्षण के दौरान। यहाँ पर हमें 25 मिनट का समय होगा और आकलन का तरीका छात्राओं के प्रतिभाग को देखकर। शिक्षण के दौरान पहला हेडिंग दिव्यांगता या अक्षमता। दिव्यांगता के विभिन्न चित्रों के द्वारा दिव्यांगता पर चर्चा करेंगे। दिव्यांगता एक कारण एवं लक्षण, शिक्षक इस पर समझ विकसित करेंगे। दिव्यांगता के प्रकार, निम्न प्रकार की दिव्यांगता को स्पष्ट करेंगे। नंबर 1 दृष्टिबाधिता, नंबर 2 लोकोमोटर, नंबर 3 मानसिक दिव्यांगता, नंबर 4 बौद्धिक अशक्तता, नंबर 5 श्रवण दिव्यांगता, नंबर 6 डिस्क्लेशिया, नंबर 7 डिसग्राफिया और नंबर 8 चोट लगने पर किया जाने वाला प्राथमिक उपचार। दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दायित्व, ये अगला हेडिंग है। शिक्षक दिव्यांगजनों के प्रति दायित्व की समझ के लिए वीडियो को प्रदर्शन करेंगे, फिर बच्चों से चर्चा करेंगे। दिव्यांग व्यक्ति को सशक्तिकरण के क्षेत्र का कार्यों को शिक्षक बताएंगे। नंबर 3 हमारा हेडिंग आता है शिक्षण के अंत में। इसका समय 5 मिनट हुआ और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके, बच्चों को दिए गए कार्य का अवलोकन करके अपेक्षित निर्देश देंगे। अगला हेडिंग आता है प्रदत्त गृह कार्य। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। नंबर 2 दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। नंबर 3 प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। नंबर 4 डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं। ये हमारा गृह कार्य हो जाएगा। अगला हेडिंग आता है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। तो साथियों, यह थी शिक्षण योजना जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ आपको शिक्षण योजना पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।